वहीं उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी को लेकर घमासान मचा है। गड़बड़ी की आशंका वाले वायरल वीडियो को लेकर निर्वाचन कार्यालय भी पूरी तरह से गंभीर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सैन्य क्षेत्र के इस वीडियो को लेकर सभी रिटर्निंग अफसरों से जानकारी मांगी है। इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से मुखर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोरियाल के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य जावलकर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, पोस्टल बैलेटों में भारतीय जनता पार्टी धांधली करती है, ये हमारा जो शक है वो जो वर्तमान में ये जो वीडियो वायरल हुआ है उससे ये सत्य साबित हुआ है। हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की मांग की है कि ये जो बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर, जो भी वोटर है, जो पोस्टल वोट का अधिकारी है, वो पोस्टल वोटर फिजिकली कहीं पर भी एक यूनिट पर आकर या अपने बेस कैंप पर आकर या जो सरकारी कर्मचारी हैं एक जगह पर आकर वो अपने वोट का प्रयोग करें और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हो, पारदर्शी उसमें तरीका अपनाया जाए, हमने मांग की है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निश्चित रूप में हमारी बात का संज्ञान लेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आँखें खोलने वाला है। क्या चल रहा है, बस लोकतंत्र का मजाक बन के रह गया है और ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इस पर निश्चित रूप में सकारात्मक संज्ञान लेगा। जो पिथौरागढ़ आरओ से ये रिपोर्ट हुई थी कि ये वायरल हुआ था करके, उसके बाद जो वायरल हुआ था उसमें मैसेज में कोई पर्टिकुलर यूनिट का उन्होंने नाम दिया था, तो वहाँ का जो रेजिमेंट से उन्होंने पूछा तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया, तो उनसे कंसर्न नहीं है करके, संबंधित नहीं है करके वो रिपोर्ट उनको आरओ को आ गया था जो उन्होंने हमें अभी तक दिया है। और कांग्रेस का जो डेलीगेशन अभी आए थे उन्होंने जो पोस्टल बैलेट 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का उनका भी पूरा प्रक्रिया पूछा और उसमें भी उन्होंने ये पूछा है कि से सपोज किसी ने वोट नहीं दर्ज किया, मतलब पोस्टल बैलेट उनको वोट अलॉट हुआ है उसके बाद वो होम टू होम जब जाते हैं उन्होंने अपना राइट टू वोट को एक्सरसाइज नहीं किया तो उसमें क्या प्रक्रिया होता है, तो उसमें ये प्रक्रिया होता है कि पूरा जो वोटिंग का जो शेड्यूल है पर्सनल हर 80+ और PWD का जो वोटिंग का शेड्यूल है वो हम कैंडिडेट से शेयर करते हैं, उसके बाद से सपोज वो अपना कोई एजेंट को उन साथ में भेजना चाहें तो वहाँ पे वो भेज सकते हैं, उसके बाद कोई वोट वहाँ पे करने से वो नहीं पाए जाते हैं, दोबारा हम जाने के बाद भी वो नहीं पाए जाते हैं या वो वोट करने से रेफ्यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे दर्ज करके पर पूरा वीडियोग्राफी हम उसका रख लेते हैं। ये तो हो गया 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का। आर्मी का जो वोटिंग है उनका पूरा प्रक्रिया वो जानना चाहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस पर कोई सुझाव भी वो दे देंगे कि उसको और पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या क्या उसमें एलिमेंट जोड़ना चाहेंगे वो भी वो कल तक दे देंगे।